हेलो जी, मेरा नाम है एजन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस व्लॉग इज अबाउट बिलाल सईद कॉन्सर्ट। तो कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि आज है कॉन्सर्ट, लेकिन ये कहानी स्टार्ट होती है आज से कुछ अर्सा पहले, जब मैं बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था और मेरे कज़न का वॉइस नोट आया। ब्रो, बिलाल सईद का कॉन्सर्ट है फ्राइडे को, क्या सीन है फिर चलने का? क्यों नहीं। तो उसके बाद बारी आती है पासिस की। तो मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया और उनसे कहा कि भाई अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पास हो या जहाँ से आपने लिए हैं वहाँ से मुझे पता करके बता दो पासिस का। तो उन्होंने कहा भाई सारे पासिस वगैरह रिज़र्व हो चुके हैं। तो मैंने अपने मामू को कॉल किए हुए दिन DHA बोतला बिल्डर्स, उन्होंने कहा बेटा मुझे जैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर पहले ही अभी उनकी मुझे कॉल आई है कि बेटा पासिस का इंतज़ाम हो गया है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि 5 बज गए हैं और इवेंट है 8 बजे से ऑनवर्ड। तो हम लोग वहाँ तैयारी शुरू करते हैं और तैयार होकर तुमसे मिलते हैं फिर। A few moments later. भाई लोग, हम लोग तैयार हो गए और घर से चल पड़े हैं। दरमियान में से मैंने मिकात ब्रो और दरियाब और अपने भाई को भी साथ ले लिया है। आओ तुम्हें मिलाता हूँ मैं अपने दोस्तों से, मिकात ब्रो। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अच्छा मिकात ब्रो, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, ये आपको दरियाब भाई बताएंगे। क्या न्यूज़ है? 3 पासिस क्लियर हम 3 हो गए, लेकिन आप से हम माज़ में चाहते यार ब्रो, ये बकचोदी है बड़ी। ठीक है, आप हर दफा मेरे साथ ऐसा करते हो। ठीक है, आपने मुझे बोला कि आप लैम्बोर्गिनी में आओगे, लेकिन आप सिटी 70 पे आए हो। पहला दुख तो ये है बड़ा। ठीक है, मुझे लैम्बोर्गिनी का बोल के आप सिटी 70 पे या दूसरा पासिस भी आप 3 लेके आए हो, मैं वापस जा रहा हूँ यार। मेरे बेचारे के साथ होती है, मैं क्या चला रहा है ऐसे वाला पी गए थे। कम से कम आपने 2 मुझे गेड़े करा दिए। एक आपने कहा आप ऊपर से आए सिटी 70 पे, मुझे आप गाड़ी का बोल के आए हो। ठीक है, ऊपर से यूनाइटेड है, उसका भी पंचर भी डलवाया हमने। ठीक है, पास का भी रोडर डाल रहे हो यार ब्रो, चल भाई कोई नहीं। नहीं 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 कोई नहीं यार, मुझे अपने पैसे खर्च करना पड़ेगा यार। कोई मसला नहीं यार, कर भाई आज कर लो यार, क्या हो चलो भाई लोग, अब हम पेट्रोल फिल करा के और हवा भरवा के फिर मिलते हैं तुम लोगों को इंशाल्लाह DHA में। हम लोग अभी आए हैं बोतला बिल्डर्स पे, और मैं आहिस्ता भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बोतला बिल्डर्स के आया हूँ, पासिस उठाने आया हूँ। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 7:30 हो गए हैं, 8 बजे शुरू होना है कॉन्सर्ट और पासिस भी मिल गए हैं। ब्रो हाँ, पासिस डिस्ट्रीब्यूट करो ज़रा, हमसे दे रहा है क्या आपका? आपने तो कहा था कि वो मतलब भाई मेरा तो है ही नहीं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो यार। खुशी मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे आंसू अभी फंसे हुए हैं। आंसू है नहीं, इसलिए नजर नहीं आ रहे हुए। बाय द वे थैंक्स ब्रो। चलो अब हम फिर अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपको। ठीक है जी सर, ये इस बाय का थैंक्स यार। अब हम मिलते हैं फिर आप लोगों को इंशाल्लाह DHA कॉन्सर्ट पे। भाई हम लोग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पहुंच गए हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, और 8 बज गए हैं लेकिन अभी तक कॉन्सर्ट स्टार्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक बार ये भी कह दो सब्सक्राइब टू SNSTIC, करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें ब्लॉक करें हब करें ब्लॉक भी करें गाइस, ब्लॉक नहीं बाकी जो सारा कुछ बोला वो कर लो यार। बड़ी मुश्किलों से हम अंदर आए हैं, पता नहीं अब हम तकरीबन साढ़े, मैं भी ब्लॉगर हूँ, आप भी ब्लॉगर हो? हाँ मैं भी ब्लॉगर हूँ। गुड हो गया, गुड हो गया।
आए हैं आज आप लोगों को, आप मिलते हैं मेरा आगे। 2000 years later. Assalamu alaikum, के लिए excited हैं आप सब? Bingo, bingo. इनके बाद आते हैं द सुपरस्टार ऑफ द शो, द सुपरस्टार ऑफ द नाइट, मिस्टर बिलाल सईद। आप लोग रेडी हैं? लेट्स गो। होने से मछली अच्छा बारह साल गोली लगे बाद थोड़े अकेला फिर मेरे जेब पूछे सवाल किसे बदस केड़ी गल्लों चली है तुझा बस ऐसी कुन्ना देखी देवा में विश्वास लोगों को साड़ी समझ नहीं।
ਚੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੇਬੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ उजड़े हुए हैं सारे बिल्कुल ऐसे ही तो खाना शाना आ गया है हमारे सामने तो खाना शाना खा के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं घर जाके और गले बिल्कुल बंद हुए हैं हमारे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा एनर्जी बिल्कुल नहीं है इसलिए घर जाके फिर रात को तकरीबन 3 बजे घर पहुँचे थे और अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ बड़ी कुत्ते वाली रात को नींद आ रही थी इसलिए व्लॉग को एंड नहीं कर सका तो इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा आई नो कि काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो भी हो जाएगी साथ साथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।